दिल्ली में सीलिंग को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा विचार करेंगी। बीजेपी की ओर से मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता मीटिंग में शामिल हुए। मेयर कमलजीत सहरावत के अलावा कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा में उठा छात्रा की सुसाइड का मुद्दा। विजेंद्र गुप्ता ने एल्कॉन स्कूल का मामला उठाया। सिसोदिया ने कहा रिपोर्ट मंगवाई गई। कुमार विश्वास का माफी न मांगने पर अरविंद केजरीवाल की माफी में रुकावट बन रहा है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल की माफी मांगने के हथकंडे पर ट्वीट करके तीखा हमला किया। पुरानी दिल्ली में नगर निगम ने कई प्रॉपर्टीज को सील किया। सीलिंग के गाज उन प्रॉपर्टीज पर भी गिरी जो अभी नई बनी है और लोगों ने पार्किंग की जगह पर दुकानें बनाई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अवैध शराब और गांजा तस्कर के सरगना को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से 61 किलो गांजा, अवैध रिवॉल्वर बरामद की गई। आरोपी नक्सलियों से खरीदता था गांजा और उसके बदले उन्हें शराब की सप्लाई करता था। नोएडा के सेक्टर 52 में 9वीं की छात्रा के सुसाइड का मामला। पुलिस ने दो पुरुष टीचर्स के खिलाफ दर्ज किया केस। मामले में छेड़छाड़ की धाराएं न लगाने पर यूपी पुलिस के 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के प्रसाद नगर में दो बाइक सवार बदमाशों ने महिला डॉक्टर और उसके पति से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। जब महिला डॉक्टर के पति ने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने महिला डॉक्टर के पति को गोली मारकर घायल कर दिया। मामला दर्ज करके पुलिस तफ्तीश में जुट गई। दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में मिली डेड बॉडी। सेक्टर 9 के जापानी पार्क के पास खुले मैदान में बरामद हुई डेड बॉडी। मर्डर की जताई जा रही आशंका बुरी तरह से कुचला गया है शख्स का चेहरा। दिल्ली में सम्मोहनगढ़ के लाखों की लूट। रोहिणी के सेक्टर 3 में एक बाइक सवार ठग ज्वेलर्स को सम्मोहित करके लाखों के गहने लेकर फरार हो गया। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में बंदरों के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं। आए दिन बच्चों और बुजुर्गों को काटते हैं बंदर। बंदर के डर से अब बाहर भी नहीं निकल पा रहे बच्चे। दिल्ली में फ्लाइट की उड़ान पर परिंदों का खतरा। एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन बेचना और काटना हुआ बैन। शिकायत के बाद एनसीटी ने बैन लगाया। जेलों में बंद सिखों की रिहाई की मांग को लेकर खुदकुशी करने वाले गुरबख्श सिंह खालसा के शव का पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों ने सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप। गुरबख्श के परिजनों और गांव वालों ने शाहबाद पेहोवा रोड पर लगाया जाम। यमुनानगर के सागरी गांव के पास अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया। हादसे में एक वर्षीय बच्चे और महिला की मौत हो गई। 5 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। फरीदाबाद सेक्टर 22 की शिव कॉलोनी में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। आग लगने के कारणों का भी नहीं खुलासा हो पाया था। सोनीपत के सेक्टर 15 में पूर्व फौजी और उसकी बेटी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी ठेकेदार को पकड़ा। बाकी फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम की जांच जारी है। इनके हाउसिंग बोर्ड मकान नंबर 365 और में 35 साल के एक युवक ने खुद को मारी पेट में गोली। नागरिक अस्पताल से पीजीआई रोहतक किया गया रेफर। युवक द्वारा खुद को गोली मारने की वजहों का पता नहीं चल पाया। साइबर सिटी गुरुग्राम में 150 करोड़ के फ्रॉड में शख्स गिरफ्तार। मोटे ब्याज का लालच देकर खेल रहा था ठगी का खेल। करीब 200 लोगों को लगा चुका है चूना। फतेहाबाद के भट्टू बस स्टैंड पर आईटीआई छात्रों और रोडवेज चालक परिचालकों के बीच मारपीट आई। बस की छत पर बैठने को लेकर हुआ विवाद। अंबाला के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से 12 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने नर्स पर ठीक से निमोनिया का टीका न लगाने का आरोप लगाया। गोहाना की अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद न होने से धरती पुत्र परेशान। नाराज किसानों ने मंडी में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सरकार पर लगाया आड़तियों के साथ मिले गिरफ्तार। बिजली बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं से रिकवरी के लिए बिजली निगम की नई स्कीम। जिन लोगों ने बिजली के बिल को नहीं भरा उनके बिल भरवाने वालों को मिलेगा इनाम। पेंडिंग बिल भरवाने वाले व्यक्ति को विभाग देगा इंसेंटिव। हरियाणा के तीसरे एग्री लीटर समिट 2018 का रोहतक में 24 से 26 मार्च के बीच होगा आयोजन। गुरुग्राम के 2700 किसान लेंगे समिट में हिस्सा। गुरुग्राम के विभागों ने शुरू की तैयारी। सिरसा में एनएचएम कर्मचारियों ने नागरिक अस्पताल में दिया धरना। एनएचएम कर्मचारियों पर दर्ज हुए मामलों को रद्द करवाने समेत कई मांगों को लेकर धरना। मांग नहीं मानने पर पूरे राज्य में हड़ताल।
भिवानी में एससी एसटी एक्ट के बदलाव के विरोध में उतरी अंबेडकर सेना, बदलाव वापस लेने के लिए कोर्ट जाएगी अंबेडकर सेना, कोर्ट ने बिना जांच के गिरफ्तारी पर लगाई। सर्व कर्मचारी संघ कर्मचारियों को गांव गांव जाकर सरकार की अब ये पोल खोलेंगे, सरकार पर लगाए भेदभाव का आरोप, कर्मचारी संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांग नहीं माने जाने पर 29 अप्रैल को जींद में बड़ा आंदोलन करने की।